ये है एप्सन का लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट प्रिंटर, जिसका मॉडल है एप्सन L14150। यहाँ पे ये एल सीरीज का प्रिंटर है, जिसके अंदर मल्टी कलर प्रिंटआउट की कैपेसिटी है और इसके अंदर 4 कलर के इंक टैंक्स है। और ये प्रिंटर इसीलिए खास है क्योंकि ये बहुत ही वेल सूटेड है किसी भी फोटोकॉपियर और या फिर कोई कॉरपोरेट कंपनी को मटेरियल प्रिंट करने के लिए। इसके अंदर काफ़ी सारे यूनिक फीचर्स दिए हैं। पहला फीचर है ड्यूअल ADF विथ मल्टी कलर डबल साइड स्कैनिंग। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसका ये ADF है, यहाँ से आप पेपर स्कैन कर सकते हैं और डबल साइड प्रिंट होगी और यहाँ से स्कैन बाहर आएगा और यहाँ से नीचे से प्रिंट आउट आता रहेगा। और यहाँ पे जो इन्होंने दिया है लीगल साइज तक का स्कैनिंग का ऑप्शन दिया है, लीगल साइज तक की स्कैनिंग का ऑप्शन है इसमें। और यहाँ पे आप जब देखेंगे तो यहाँ पे A4 साइज का स्कैन हमने यहाँ पे कर रखा है, बट बड़े में आपको लीगल साइज तक का स्कैनिंग भी मिल जाएगा, जो कि बहुत कम प्रिंटर्स में रहता है। और पीछे काफ़ी वर्सेटाइल ट्रे दिया है, इसको हम रे ट्रे कहते हैं। यहाँ पे लगभग आप 50 पेज तक होल्ड कर सकते हैं A3 साइज के। तो स्कैनर तो इन्होंने हमें दिया है लीगल साइज का, बट प्रिंटिंग कैपेसिटी जो है हमारी A3 साइज तक आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट और राइट में यहाँ पे कैसेट है, ये कैसेट आप आगे पीछे करेंगे तो आप A3 साइज तक का पेपर यहाँ पे फिट कर पाएंगे। इस वक्त मैं आपको डेमो के लिए लगभग 50 से 100 प्रिंट्स मैंने अभी कंप्यूटर से भेजे हैं इसमें, जो मेरी पूरी प्राइजिस्ट प्रिंट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे पूरी डार्क मल्टी कलर प्राइजिस्ट हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं और इस स्पीड में ये प्रिंट आ रहा है। आई थिंक मैं कह सकता हूँ आराम से 10 सेकंड में एक प्रिंट ये निकाल रहा है एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी हमें यहाँ पे मिल रही है। एक प्रिंट आपको दिखा देता हूँ आइडिया के लिए, एकदम फुल बैकग्राउंड का ये प्रिंट आउट है। पीछे से भी आप देख सकते हैं ऐसे दिख रहा है क्योंकि ये इंकजेट है और यहाँ पे मैं सिर्फ 70 GSM के पेपर पे प्रिंट कर रहा हूँ। ये प्रिंट आउट ऐसा है और काफ़ी अच्छा शार्प प्रिंट है, काफ़ी डार्क है, ब्लैक है, छोटा टेक्स्ट भी अच्छी तरह से दिख रहा है, मेरे इमेजेस अच्छी तरह से दिख रहे हैं और प्रोडक्ट की एक कॉन्सेप्ट और आइडिया भी आराम से अपने को समझ में आ रही है। तो ये था प्रिंटर जिसमें A3 साइज़ का कलर प्रिंट है, लीगल साइज़ का ADF है, लीगल साइज़ का स्कैनिंग है और यहाँ पे ये जो ट्रे दी गई है, यहाँ पे एक मैनुअल ट्रे है और नीचे यहाँ पे 250 पेजेस होल्ड करने के लिए यहाँ पे एक मैनुअल A4 की ट्रे भी दी गई है। यहाँ नीचे इस ट्रे को आप खोल भी सकते हैं, यहाँ पे आप खोलेंगे तो आपको पेजेस दिख जाएंगे और पीछे की तरफ आप 50 पेजेस लोड कर सकते हैं। तो टोटल 300 पेजेस लोड करके रखने की इस छोटे से मशीन की कैपेसिटी है। ये मशीन ज़्यादा बड़ी नहीं है। यहाँ कंपैरिजन के लिए मैंने एप्सन का एक फेमस मॉडल है L3150 उसको यहाँ पे रखा है और इसको यहाँ बाजू में रखा है। आप दोनों का साइज़ कंपैरिजन आसानी से समझ सकते हैं और काफ़ी अच्छी और हाई क्वालिटी की स्पीड इसमें हमें मिल रही है। और क्योंकि ये एप्सन का है तो इसके अंदर एक इंक टैंक है, या कुछ लोग इसे इको टैंक कहते हैं, CMYK का इसका ग्रेड है और यहाँ पर पूरी इंक की जो है टैंक यहाँ पर फिल हो जाती है। तो जब एक टैंक आप फिट करते हैं तो आराम से 1000 से 1500 प्रिंटआउट तो इस तरह के फुल कलर के आ जाते हैं। और वहीं अगर आप कोई ड्राफ्ट मोड में प्रिंट करेंगे तो 7000 भी प्रिंट आ जाएंगे, डिपेंड करता है कितना गहरा और कितना डार्क आप प्रिंट कर रहे हो। और इसके अंदर इस प्रिंटर में एक और खास फीचर इन्होंने यहाँ पे ये दिया है कि आप जब प्रिंटर को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो अंदर एक लॉक रहता है, उस लॉक को अपन बंद कर सकते हैं जिससे इंक की जो हेड, इंक और हेड दोनों हिलते नहीं हैं और इंक यहाँ वहाँ गिरती नहीं है। तो काफ़ी अच्छा हैवी ड्यूटी प्रिंटर कैटेगरी में है और इससे ऊपर भी कई सारे मॉडल्स आ चुके हैं एप्सन के, जैसे L15150 और या फिर L6150, जिसके अंदर A3 साइज़ का पेपर ट्रे है। ये मेरी तरफ से सारे फोटोकॉपियर, मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं उनको यही मशीन सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 90% जो बिज़नेस होता है फोटोकॉपियर का, जेरोक्स दुकानों का, वो होता है A4 साइज़ का और स्कैनिंग का, लीगल साइज का, और कभी कभार महीने में 5-10 बार A3 साइज का भी बिजनेस आ जाता है। तो अपने को उस पर इतना ज़्यादा फोकस करने की मशीन ज़रूरत है नहीं, ये कम रेंज के अंदर एक अच्छी अपने को जेरोक्स मशीन के जैसा ही काम कर रही है। कोई बड़ा जेरोक्स मशीन लेने का अपने को इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज मार्केट में आप कैनन के, केओसरा के, टास्क अल्फा के कोई भी मशीन लेने जाएं लेज़र की, तो या तो वो सेकेंड हैंड रहती है या फिर उनका जो फर्स्ट हैंड मशीन रहेगी उसका रेट ज़्यादा रहेगा और वो रहेगी ब्लैक एंड व्हाइट। और कलर लेना हो तो लाखों के अंदर आपका बिल बनेगा, प्लस सर्विस इंजीनियर को हर महीने आपको पैसे बंधे हुए रहते हैं। अगर आप मुझसे एप्सन का लेते हैं तो इसके अंदर मैं 1 ईयर ऑप्शन एंड 3 ईयर ऑप्शन दोनों ही प्रोवाइड करता हूँ।
वारंटी का। और इसके अंदर आपको बेनिफिट ये मिलता है, मशीन तो फर्स्ट हैंड है ही, बट साथ ही साथ आपको मशीन के साथ सर्विस भी मिल जाती है, आइडिया भी मिल जाता है और ऑन साइट सपोर्ट भी मिल जाएगा। और इस प्रिंटर के अंदर भी, पिछली बार मैंने आपको एप्सन का M15140 का डेमो दिया था, उसके अंदर प्रेसिजन कोर टेक्नोलॉजी था, इसके अंदर भी प्रेसिजन कोर टेक्नोलॉजी है। उसका मतलब ये है कि जो प्रिंटआउट आता है बहुत ही बारीकी से आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि मैंने इतने सारे पेपर इसमें ऑलरेडी बंडल बंडल प्रिंट कर चुके हैं, और यहाँ पे आपको काउंट दिख रही होती है कि शीट मैंने 32 प्रिंट कर दी है। और बात करें इस पैनल की, तो पैनल बहुत ही अच्छा एर्गोनॉमिक डिज़ाइन दिया है। अगर मान लीजिए आपकी हाइट ज़्यादा है और आपको इस तरह से फोल्ड करके देखना है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे होम बटन दे दिया है, यहाँ पे कोई हेल्प सपोर्ट का बटन है, और यहाँ पे अगर ये पूरा टच स्क्रीन, अगर मैं कैंसिल बटन दबाऊंगा तो पूरा प्रिंट कैंसिल हो जाएगा। और ये था एक बेसिक आइडिया प्रिंटर का, बट साथ ही आपको ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी कि ये एक इंकजेट प्रिंटर है, तो ये जो है हीट फ्री टेक्नोलॉजी के ऊपर है। हीट फ्री टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, जैसे आप कैनन हो गया, कोनिका हो गया, केओसरा हो गया, उनके प्रिंटर्स लेंगे तो उसमें एक बीमारी क्या आती है, वो होता है हीट के ऊपर। तो आप मशीन के आसपास ज़्यादा खड़े रहेंगे तो उसकी गर्मी आपको लगती रहेगी और आँखों में जलन धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी। और उसके अंदर यूज़ होता है टोनर। टोनर से क्या होता है, आँखों में जैसे जाता है आपको धीरे धीरे इरिटेशन होती है और लॉन्ग टर्म के लिए आपके हेल्थ के लिए ख़राब होता है। बट वहीं आप जब इंकजेट प्रिंटर यूज़ कर रहे हो, इसके अंदर हीट फ्री टेक्नोलॉजी है, कोई एग्जॉस्ट नहीं है, कोई फ़ैन नहीं है, कोई हीटर सेक्शन नहीं है, कोई हीटर यूनिट नहीं है, इसके अंदर बस एक ही आइटम है हेड। हेड जो है अपना हिल हिल के अपना काम कर लेता है, तो उसमें कोई आपका डैमेज नहीं होता, हेल्थ को ख़राब नहीं होती, एनवायरनमेंट में गर्मी पैदा नहीं होती और काफ़ी मतलब सेफ़ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बस यहाँ एक फ़ैन है और उसको ऑपरेट कर रहे हैं, बिना कोई गर्म नहीं हो रहा है। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे इसको एसी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हीट फ्री टेक्नोलॉजी प्रेसिजन कोर के ऊपर बेस्ड है। और एप्सन के हर मॉडल के जैसे आप यहाँ से पूरी ट्रे दी गई है, अगर आप इसको उठाएंगे तो आपको अंदर का हेड भी दिख जाएगा बट प्रिंट रुक जाएगा। और काफ़ी अच्छा मॉडल है, ऑल ओवर इंडिया आपको इसकी सर्विस सपोर्ट मिल जाएगी, ऑल ओवर इंडिया आपको ऑन साइट इसका वारंटी भी क्लेम मिल जाता है। और आप इंडिया से कहीं पे भी हो, हम आपको ये प्रिंटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेज सकते हैं। और स्पेशली अगर आप हैदराबाद में हो या फिर तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु, तो आप हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, हम हैदराबाद में ही बेस्ड हैं। कोई ऑर्डर रहता है तो हम पार्सल के थ्रू ही भेज सकते हैं। और अगर आप हैदराबाद से हैं तो आप हमारी स्टोर को ज़रूर विज़िट कीजिए, जहाँ पे हमने हर तरह के मशीन्स रख रखे हैं, फोटोकॉपियर, ब्रांडिंग एंड कॉरपोरेट गिफ्टिंग के हिसाब से जो भी मशीनरी रहती है, वो सारी पूरी मैन्युफैक्चरिंग करने की जितनी भी मशीनरीज होती हैं वो भी हमारे पास यहाँ हैं। तो हैदराबाद में हैं आप तो ज़रूर हमारा स्टोर विज़िट कीजिए। और अगर आपको इस प्रिंटर के अंदर कोई डाउट रह गए हो तो नीचे कॉमेंट में लिख दीजिए, हो सकेगा टाइम मिलेगा तो मैं भविष्य में इसका एक और वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूँगा। और अगर आपको A3 साइज़ का ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर चाहिए, आपको कलर प्रिंटर नहीं चाहिए, A3 साइज़ का ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर चाहिए, तो आप मेरा पुराना वीडियो जाके देख लीजिए, एप्सन का M15140, जो कि एक A3 साइज़ का हैवी ड्यूटी प्रिंटर है और डेडिकेटेड फॉर ब्लैक एंड व्हाइट। उसके अंदर तो जो इंक होती है वो भी वाटर प्रूफ होती है, वो भी स्मज प्रूफ होती है। और इस प्रिंटर की आप स्पीड देख ही रहे हैं, पीछे से मैंने इसे लैपटॉप से कनेक्ट करके रखा है और इसमें प्रिंट लगातार कलर प्रिंट्स आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। अब एक नज़दीक से एक प्रिंट आपको एक और दिखा देता हूँ ताकि आपको और थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए प्रिंट क्वालिटी देख के। और ये रहा, चलिए देखिए, ये रहा इसका प्रिंट क्वालिटी। इसका हम लोग दिखा देते हैं भाई कैसा क्या क्वालिटी आ रहा है। यहाँ पे हमने लोगोस प्रिंट किए हैं एप्सन के, इवोलिस के, इस तरह से इसका प्रिंट क्वालिटी आ रहा है। यहाँ पे जैसे QR कोड है तो QR कोड भी एकदम दिख रहा है, स्क्वायर बॉक्सेस एकदम क्लियर दिख रहे हैं, कोई कंपनी का लोगो हमने प्रिंट किया है तो वो भी आपको एकदम क्लियर दिख रहा है, इस तरह से इसका क्वालिटी है। पर याद रखने की चीज़ यहाँ पे ये है, हम 70 GSM पेपर यूज़ कर रहे हैं, वहीं अगर हम मान लीजिए फोटो पेपर यूज़ करें, नोवा कंपनी का जिसका मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, इस कंपनी का फोटो पेपर यूज़ करेंगे तो और क्वालिटी उठ के आएगी। वो जो प्रिंटर है नॉर्मल जेरोक्स के पेपर के लिए बनाए, बट आप उसमें 270 GSM फोटो पेपर भी डाल सकते हो। और रही बात कंपैटिबल, वो प्रिंटर जो है कौन से पेपर के साथ कंपैटिबल है, उस प्रिंटर के अंदर आप 130 GSM फोटो पेपर, 180 GSM, 270 GSM फोटो पेपर, 130 GSM स्टिकर, ये है स्टिकर, फोटो स्टिकर प्रिंट कर सकते हो। और फोटो स्टिकर 170 GSM का प्रिंट कर सकते हो, और AP स्टिकर जो कि वाटरप्रूफ स्टिकर होता है, ये भी प्रिंट कर सकते हो एप्सन के इस प्रिंटर में। और आप इंकजेट का जो ट्रांसपेरेंट शीट होता है वो प्रिंट कर सकते हो, और साथ ही साथ और भी कई सारी शीटें हैं, जैसे AP फिल्म हो गई, आपको ये भी बता देता हूँ, जैसे ये AP फिल्म हो गई, आप ये प्रिंट कर सकते हो उसके अंदर, ये AP स्टिकर है, ये वो प्रिंट कर सकते हो। और आपका कोई ट्रांसपेरेंट शीट है या फिर कोई ट्रांसपेरेंट पेपर है
वो भी इस प्रिंटर के अंदर प्रिंट हो जाएगा। ये सारी कंपैटिबल जो शीट्स हैं वो भी हमारे पास मिल जाती है। और ये फोटो स्टिकर है, ये फोटो स्टिकर भी प्रिंट हो जाएगा। पीछे की तरफ स्टिकर है, आगे की तरफ ये ग्लॉजी पेपर है। तो इस तरह का जो आइटम है वो भी इसमें प्रिंट हो जाता है। और फ्यूचर में हम कोशिश कर रहे हैं, इस वक्त मेरा काम अभी बना नहीं है बट थोड़ा रिसर्च चल रहा है इसके ऊपर, मोबाइल स्टिकर भी कुछ 2-3 महीनों में उसका भी काम पूरा जुगाड़ पूरा कर दूंगा। तो मोबाइल स्टिकर और ये सिल्वर पेपर, ये दो भी एप्सन के उस प्रिंटर में प्रिंट हो जाएंगे। उसके ऊपर थोड़ा R&D चल रहा है बट अभी के लिए तो ये सारी कैटेगरी सक्सेसफुल है। मैं सब टेस्ट कर चुका हूँ। और भी काफ़ी सारे आइटम हैं जो आप इस प्रिंटर के अंदर प्रिंट कर सकते हैं, एंड आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। और यहाँ पे ये हमारा जो है प्रिंट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हम हमारा क्लोज बटन दबा रहे हैं और इस तरह से इसका LED स्क्रीन दिखता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाईफाई का भी ऑप्शन दिया है भाई साहब ने। तो वाईफाई को आप वाईफाई डायरेक्ट या फिर वाईफाई राउटर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। आप प्रिंटर का जो भी मेंटेनेंस होता है वो कर सकते हो, हेड क्लीनिंग, पावर क्लीनिंग। मान लीजिए आपने 10 दिन से प्रिंटर यूज़ नहीं किया है तो इंकजेट में क्या होता है, कई बार थोड़ा सा एक इंक का डला रुक जाता है, तो आप हेड क्लीनिंग का ऑप्शन करोगे तो वो क्लियर हो जाएगा वहाँ से। और भी दूसरे काफ़ी सारे ऑप्शन इन्होंने दिए हैं, फैक्स की, स्कैनिंग की, कॉपियर की। अगर आपका फैक्स से कनेक्टेड है तो डायरेक्ट फैक्स भी आप ये रिसीव कर लेगा। और इसके अंदर दो ऑप्शन हैं, एक है साइलेंट मोड। मान लीजिए हमने यहाँ पे साइलेंट मोड लगा दिया और म्यूट ऑप्शन लगा दिया है, तो उससे क्या होगा, प्रिंटर जो है कम आवाज़ के अंदर प्रिंट करेगा। अभी जैसे आपने, मैंने प्रिंट किया तो आपने मेरी आवाज़ सुनी होगी, तो प्रिंटर की हल्की सी बैकग्राउंड में एक वॉइस आ रही थी, वो आना भी बंद हो जाएगी, प्रिंटर जो है और शांति से काम करेगा। तो ये सारे फीचर्स हैं, काफ़ी इनोवेटिव फीचर्स दिए हैं। और कॉपी के अंदर तो भाई बहुत सारे ही फीचर्स हैं। एडवांस सेटिंग के अंदर आप जाओगे ना तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा मल्टी पेज सेटिंग, स्टैंडर्ड सेटिंग, ओरिएंटेशन। अगर कोई शेडो है, कोई होल पंचेस है, वो आपको रिमूव करना है, या फिर ID कार्ड का जेरोक्स निकालना है, या बॉर्डरलेस प्रिंटिंग करनी है, तो वो ऑप्शन भी इस प्रिंटर के अंदर दिया गया है। एंड काफ़ी एडवांस फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। तो ये था एक बेसिक आउटलुक ये पूरे प्रिंटर का। और अगर आपका कोई भी ऑर्डर हो तो हमें कॉन्टैक्ट करने का एक ही तरीका है, आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में जाना है, वहाँ एक पहला कॉमेंट रहेगा, उस कॉमेंट में एक लिंक रहेगा, वो लिंक को दबा दीजिए, आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा और वो मैसेज हमें भेज दीजिए। वो मैसेज रिसीव होने पे आपको हमारा जो भी रेट है, कोटेशन है, आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। कृपया हमें उसी तरीके से कॉन्टैक्ट करें, कृपया कॉल्स ना करें। होता क्या है, कई बार कस्टमर के कॉल्स आ जाते हैं, मिस कॉल रुक जाते हैं और उनसे पूरी बात नहीं हो पाती। तो मैं आपको जो तरीका दे रहा हूँ कि भाई केवल व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट करो, वो भी लिंक के थ्रू, आपको रेस्पॉन्स मिल जाएगा। तो और भी कोई आपके सजेशंस हो, कोई दूसरे मॉडल का आपको डेमो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए, मैं टाइम निकाल के आपको वो भी बना के दे दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड दिस इज अभिषेक फ्रॉम अभिषेक प्रोडक्ट्स बाय SK ग्राफिक्स।